हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 9 मैट्रिक्स के बारे में, जिसके एक्सरसाइज 9th ए, 9th बी और 9th सी के 5 तक क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए थे। उन सारों का वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उन वीडियो को देखिए और फिर आप इस वीडियो पे आइए, ठीक है ना। आज अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या गिवन है। गिवन आपको A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 0 4 6 3 0 -1 एंड B इक्वल टू 0 -1 5 -5 1 2 -6 इज द फॉलोइंग पॉसिबल। फर्स्ट ए बी, यदि ये दोनों का पॉसिबल है ए बी, तब ए बी फाइंड आउट करना है, फिर बी ए फाइंड आउट करना है, फिर ए स्क्वायर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो देखो, पॉसिबल है तभी फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आपको ए बी फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है फर्स्ट के अंदर, ए बी, ए बी 0 4 6 3 0 -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखो पहले चेक कर लेते हैं पॉसिबल है क्या। क्या निकालना है, ए बी आपको निकालना है, ए बी निकालना है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की है, 2 × 3 ऑर्डर में है। और ये जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर में है, 3 × 2 के अंदर है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये पास वाली वैल्यू कैंसिल आउट होके कितने ऑर्डर की आएगी, 2 × 2 में। तो मैट्रिक्स तो आ गई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या है, पॉसिबल है। पॉसिबल है तो किस ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी, 2 × 2 में। अब निकालता हूं वैल्यू, ये 0 4 6 3 0 -1 मल्टीप्लाई हो रहा है 0 -1 -5 1 2 -6। ये लीजिए, इस पूरी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस 0 का 0 के साथ में 0, इस 4 का इस -4 के साथ में -1 के साथ में तो -4, 6 का -5 के साथ में करेंगे तो माइनस का 30 हो गया। इस पूरी रो का भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 + 8 - 36 ये आ जाएगा। इस पूरी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो ये 0 + ये भी 0 और ये आपका प्लस का 5 आ जाएगा। इस पूरी रो को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 3 आ जाएगा। फिर आपका 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 0 - 1 - 6 से मल्टीप्लाई तो +6, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो देखिए एबी की वैल्यू क्या मिली आपको, एबी की वैल्यू यहां से कितनी, माइनस का 34, यहां से वैल्यू कितनी, माइनस का 28, यहां से वैल्यू कितनी 5 और यहां से वैल्यू कितनी 9, ये आपको वैल्यू यहां से मिल जाएगी। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका बीए, चेक कर लेता हूं मैं बीए। देखो बीए में चेक करो, इस बी का ऑर्डर क्या है, 3 × 2 इक्वल टू इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3। तो ये पेस पास वाली वैल्यू कैंसिल आउट, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, 3 × 3 की मैट्रिक्स आपको यहां से मिल जाएगी। तो बी ए पॉसिबल है, निकाल दीजिए। बी ए की क्या वैल्यू है, 0 1 -1 2 -5 और -6 मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ में, 0 4 6 3 0 -1 ये लीजिए। इस पूरी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ में करना है। तो देखिए ध्यान से, बी ए की वैल्यू निकालते हैं, 3 × 3 में आएगा। इस पूरे का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कराओ तो ये मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ कितना आ गया, यहां पे 0 + 3 आ गया। पूरी रो का इस कॉलम से कराओ तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई 0, ये 1 इस 0 से मल्टीप्लाई कितना, 0 + 0 आ गया। इस पूरी को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 0 के साथ 6 मल्टीप्लाई 0, 1 - 1 से मल्टीप्लाई तो कितना, 0 - 1 आ जाएगा।
जीरो माइनस वन। अब इस रो को मैं इस कॉलम से कराऊं तो ये तो जीरो हो गया और ये वाली वैल्यू कितनी, सिक्स, तो जीरो प्लस सिक्स लिख सकते हैं। इस माइनस वन को इस फोर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फोर, इस टू को जीरो के साथ किया तो प्लस का जीरो, इस माइनस वन को सिक्स के साथ किया तो माइनस सिक्स, इस टू को इस माइनस टू वन से किया तो माइनस का टू आ जाएगा। अब इस पूरी रो को मैं इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो माइनस फाइव का जीरो के साथ में कितना, जीरो, प्लस माइनस सिक्स का इस थ्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का एटीन, तो माइनस प्लस कितना, माइनस का एटीन, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कितना, माइनस का ट्वेंटी, माइनस सिक्स को जीरो के साथ में किया तो प्लस का जीरो, माइनस फाइव का सिक्स के साथ में किया तो माइनस का थर्टी, माइनस सिक्स का माइनस वन से किया तो प्लस का सिक्स, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। तो देखो बी ए की वैल्यू क्या मिली आपको, बी ए इक्वल टू जीरो प्लस थ्री कितना, थ्री, जीरो प्लस जीरो कितना, जीरो, ये माइनस वन, ये कितना, सिक्स, ये माइनस फोर, सिक्स माइनस का माइनस टू कितना, माइनस का एट, ये माइनस का एटीन, माइनस ट्वेंटी, और ये थर्टी प्लस सिक्स कितना हो गया, थर्टी प्लस सिक्स माइनस का ट्वेंटी फोर, ये वैल्यू आपकी बी ए की वैल्यू थ्री इंटू थ्री ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं ए स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू, ये सेकंड आपका और ये आपका फर्स्ट थर्ड, ठीक है। ए स्क्वायर यानी ए का दो बार मल्टीप्लाई, तो ये जीरो, ये फोर, ये सिक्स, थ्री, जीरो, माइनस वन, इसका मल्टीप्लाई में कर दूं जीरो फोर सिक्स थ्री जीरो माइनस वन, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, टू इंटू थ्री की ऑर्डर में, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, टू इंटू थ्री के अंदर। देखो पास वाली वैल्यू सेम नहीं है, सेम नहीं है ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू आना चाहिए नंबर ऑफ रो के, तभी मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूं साथ में, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखिए आंसर इसका चेक कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, ठीक है ना, यस यस नो, ठीक है, इसका नॉट पॉसिबल और इन दोनों का पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर सिक्स था ना आपका, इज द पॉसिबल फॉलोइंग पॉसिबल, ठीक है ना, आपको मल्टीप्लाई नहीं निकालना था, पॉसिबिलिटी निकालने की, पॉसिबल है क्या, तो पॉसिबल है, सॉरी पॉसिबल है, और मैंने मल्टीप्लाई भी निकाल दी इसका, ठीक है ना, तो एक ही बात है आपके लिए। चलिए कोई ना, आपके एग्जाम में आगे तो आपको पॉसिबिलिटी निकालनी है ओनली। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में, इसको आप नोट डाउन कर लेना, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेवन के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू टू वन जीरो माइनस टू, बी इक्वल टू फोर वन माइनस थ्री माइनस टू, एंड सी इक्वल टू माइनस थ्री टू माइनस वन और फोर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड आउट करना आपको ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस फाइव बी माइनस फाइव बी, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस फाइव बी, ये इसका मान आपको निकालना है,
तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको गिवन है इन दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, बी को 5 से मल्टीप्लाई करना है, इससे पहले आपको ए स्क्वायर आपको निकालना है। तो मैं सबसे पहले इनकी ये जो वैल्यू है ये निकाल देता हूं। मैं पहले मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ए स्क्वायर देखो क्या आएगा, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, तो ये 210 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, 210 माइनस 2 के साथ में, ठीक है ना, ये है ना मैट्रिक्स, 210 माइनस 2, 413 माइनस 2 और फिर -3 -1 2 और 4, ठीक है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई मैं इसके साथ में करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इसका और इसका मल्टीप्लाई 0, तो +0 आ गया। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा तो कितना, ये 2, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपका माइनस का 2, ये आ गया। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0, इसका इसके साथ में किया तो +0, इस 0 का 1 के साथ में करेंगे 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो +4 आ जाएगा। ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, यहां से ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4 0 0 और ये 4, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब मैं वैल्यू निकालता हूं एसी की, तो एसी की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 210 माइनस 2, फिर सी की वैल्यू है आपकी -3 2 -1 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 2 को 6 के साथ में मल्टीप्लाई 3 के साथ में कर दो तो -6, 1 का इसके साथ में करेंगे तो -1, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो कितना, 4 + 4, इसका इसके साथ में किया तो ये तो 0, -2 को -1 से किया तो +1 + 2, इस 0 का 2 के साथ में 0, -2 को +8 से किया तो 0 - 8, ये आ जाएगा। यहां से AC की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, देखो AC की वैल्यू मिल जाएगी आपको कितनी मिल जाएगी, -7 + 8, ये 2 और ये आपका -8, ये वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। अब आपको निकालना है -5b, तो 5b आपको निकालना है, तो 5 × b की वैल्यू क्या है आपकी, 4 1 -3 और -2, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -5b = 2, इसका मल्टीप्लाई, यानी अपन जानते हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी से पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो ये स्केलर क्वांटिटी हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई 20, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई 5, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई -15, ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई -10, ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इक्वेशन नंबर, ये आपकी फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड, ये इक्वेशन नंबर आपकी थर्ड, आपको वैल्यू चाहिए इस पूरे की वैल्यू, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b, ए स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, ए स्क्वायर आपका कितना है, 4 0 0 और 4, फिर प्लस ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू है -7 8 2 और -8, ये ए सी की वैल्यू, फिर माइनस आपका ये रहा माइनस, माइनस 5b की वैल्यू कितनी है, 25 - 15 - 10, ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, तीनों इक्वेशन का यूज किया मैंने। अब देखो इन तीनों को आपको ऐड करना है तो ऐड कर देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट तो 4, फिर कौन है ये प्लस, फिर माइनस, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -7 और ये माइनस और वो वैल्यू आपकी है 20, ये आ जाएगा। फिर 0 + 8
माइनस 5, फिर इसके लिए 0 प्लस 2 माइनस, ये माइनस माइनस 15, तो माइनस 15 यहां पे लाएंगे तो प्लस 15 हो गया, फिर 4 माइनस 8 और प्लस का 10, ये वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको भी थोड़ा सा सोल्व और कर देते हैं, ये कितना आपका 27 माइनस का, 27 माइनस और प्लस 4 है आपका, तो माइनस का 23, ये कितना आपका 8 माइनस 5 कितना 3, और ये आपका 17, ये कितना 14, 14 माइनस 8 कितना 6, ये आपकी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5 बी की। इसको आप नोट डाउन कीजिए, आंसर चेक कर लेते हैं अपन, माइनस 23, 3, 17 और 6, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे को नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है m की वैल्यू, किसकी वैल्यू, m की वैल्यू, m कितना है आपका 1, 2, 2 और 1, एंड आई इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट द m, यानी i क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है, इसको ले लेता हूं मैं सेम ऑर्डर की, तो ये 2 इंटू 2 की है, तो ये भी आपकी 2 इंटू 2 के अंदर ही गिवन है, क्योंकि सेम ऑर्डर है m की। फिर आपको शो करना है, क्या प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है, कि m स्क्वायर इक्वल टू 2m प्लस 3i, ये आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखो कर लेते हैं इसको भी, देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, m स्क्वायर निकालना है, तो m स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं, m स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, m इंटू m, यानी m को दो बार लिखी, तो 1 2 2 1, इसका मल्टीप्लाई m के साथ में 1 2 2 और 1, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 1 प्लस 4, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 2 प्लस 2 याद रखना, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो 2 प्लस 2, इस पूरे का इसके साथ में करेंगे तो 4 प्लस 1, ये आ गया। एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 4 4 5, ये लीजिए एम स्क्वायर की वैल्यू, कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको निकालना है 2m प्लस 3m 3i, तो 2m प्लस 3i की वैल्यू निकालना है आपको, तो 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है 1 2 2 1 प्लस 3 इंटू 1 0 0 और 1, इस 2 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 2m प्लस 3i की वैल्यू कितनी आएगी, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2 पहले इसके साथ में कितना 2, ये 2 इस 2 के साथ में कितना 4, ये 2 2 के साथ में कितना 4, इस 2 को इस 1 के साथ में करेंगे तो ये 2, अब इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा, यहां पे 3 0 से 0 0 से 0 1 से करेंगे तो ये 3 आ गया, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड होगी कितना 5, ये वाली वैल्यू इसके साथ ऐड होगी कितना 4, इस वैल्यू को मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो 4, इस 2 को इसके साथ आप ऐड करोगे तो कितना 5, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से मैं क्या लिख सकता हूं कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, इस साइड की वैल्यू कितनी है एम स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू किसकी है 2m प्लस 3i की, क्या लिखोगे 2m प्लस 3i की, और ये आपका हैंस प्रूफ, ऐसे आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए की वैल्यू आपको गिवन है। इफ ए इक्वल टू ए जीरो जीरो टू, बी की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है जीरो माइनस बी माइनस वन प्लस वन ही है आपके, ठीक है ना, और ये जीरो। कैपिटल एम की वैल्यू आपको गिवन है कितनी वन माइनस वन, मिस प्रिंटिंग है थोड़ा सा देख लेंगे, और ये वन। और आपको कंडीशन दे दी कि बी ए इक्वल टू कैपिटल एम स्क्वायर, बी ए इक्वल टू कैपिटल एम स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो देखो सबसे पहले तो आपको गिवन है, कंडीशन को लेते हैं, गिवन कंडीशन को बी ए की वैल्यू निकाल दो एम की वैल्यू निकाल दो। देखो एग्जाम में कैसे करके आना वैसे मैं बताऊंगा, या आप डायरेक्ट भी आप करके आओगे ना, यहां पे सॉल्यूशन से स्टार्ट करो मैं, तो आपको कंडीशन दे दी कि बी ए इक्वल टू एम स्क्वायर, इनको पहले अलग अलग करके निकालोगे तो भी सही है, डायरेक्ट निकालोगे तो भी सही है। इसमें b और a की वैल्यू पुट कर दो, ये 0 माइनस b 1 और ये 0, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में a के साथ में, तो a 0 0 और ये 2, m का दो बार मल्टीप्लाई तो 1 माइनस 1 1 1, इसका मल्टीप्लाई m के साथ में 1 माइनस 1 1 और 1, ये लीजिए। अब देखो इस पूरे को मल्टीप्लाई इसके साथ में करो तो जीरो को एक के साथ में करेंगे जीरो, इसका इसके साथ में करेंगे तो ये भी जीरो, फिर इसका इसके साथ में करेंगे तो ये जीरो, माइनस बी को टू के साथ में करेंगे तो ये कितना माइनस का टू बी, इस वन को मैं इसके साथ में किया तो ए, जीरो को जीरो के साथ में किया तो प्लस जीरो, इसका मैं इसके साथ में किया तो ये जीरो, इसको इसके साथ में किया तो ये जीरो, ये वैल्यू आ जाएगी। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस 1, इस पूरे को इसके साथ में किया तो माइनस का 1, इसको इसके साथ में किया तो माइनस 1, इसको मैं इसके साथ में किया तो 1 प्लस 1, इसको इसके साथ में किया तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 1, 1 को इसके साथ में माइनस 1, इसको इसके साथ में प्लस 1, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। तो देखिए कितनी वैल्यू मिली आपको, ये तो जीरो, ये माइनस टू बी, ये आपका ए और ये आपका जीरो इक्वल टू जीरो, ये कितना आपका माइनस टू और ये कितना टू और ये जीरो। दो मैट्रिक्स जब भी इक्वल होती है तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा, तो ऑर्डर तो सेम है इक्वल में, तो ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, यानी माइनस टू बी इक्वल टू कितना माइनस टू, ये ए किसके इक्वल इस 2 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, b की वैल्यू कितनी 2 अपॉन में 2, यानी b की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1 आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इस पूरे को नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10th आपका गिवन ए इक्वल टू फोर वन टू थ्री एंड बी इक्वल टू वन जीरो माइनस टू और वन, एंड फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, सेकेंड फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर, थर्ड फाइंड आउट करना है ए बी, और फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में टू बी, ये आपको सारी चीज निकालनी है। तो निकाल देते हैं, ए की वैल्यू फोर वन टू थ्री, बी की वैल्यू वन जीरो माइनस टू और वन, ठीक है, देखो निकालते हैं सारी की वैल्यू। सबसे पहले तो ए माइनस बी को निकालते हैं, किसकी वैल्यू ए माइनस बी की वैल्यू,
तो देखो a माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a माइनस बी यानी a की वैल्यू में से माइनस करना है b की वैल्यू को, तो ये 4 1 2 3 माइनस b की वैल्यू 1 0 -2 और 1 4 माइनस 1 4 माइनस 1 ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट को ले लो, तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 2 माइनस 2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2 3 माइनस 1 3 माइनस 1 ये लीजिए वैल्यू। फोर माइनस वन कितना 3, 1 माइनस 0 कितना आपका 1, 2 प्लस 2 कितना 4, 3 माइनस 2 कितना आपका ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड निकालते हैं, सेकंड में क्या गिवन है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए, तो ए कितना आपका 4 1 2 3 दूसरे एक की फिर 4 1 2 3 इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई 16, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 2, इस 4 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई 4, इस 1 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो प्लस का 3 आ जाएगा, हो गया। फिर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 8, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6, इस 2 का इस 1 से करवाएंगे 2, इस 3 का इस 3 के साथ में करवाएंगे कितना 9। ये यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितनी 16 प्लस 2 कितना 18, 4 प्लस 3 कितना 7, 8 प्लस 6 कितना 14 और 2 प्लस 9 कितना 11। ये वैल्यू किसकी आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं। अब आपको चाहिए ए बी की वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू देखिए थर्ड के अंदर क्या है आपका ए बी की वैल्यू, ए का मल्टीप्लाई बी के साथ में, इसका मल्टीप्लाई बी के साथ में 1 0 -2 और 1 ये लीजिए। तो मल्टीप्लाई करवा देते हैं, देखो 4 यानी इस पूरी रो को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 को 1 के साथ में 4, 1 को -2 के साथ में करेंगे तो -2, इस पूरे को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1 आ जाएगा, इस पूरे को मैं इसके साथ में किया तो 2 माइनस 6, इस पूरे को इसके साथ में किया तो 0 प्लस 3 आ जाएगा। तो ये ए बी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 4 माइनस 2 कितना 2, 0 प्लस 1 कितना 1, 2 माइनस 6 कितना -4, 0 प्लस 3 कितना 3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए बी की, समझ गए होंगे। अब देखो मैं थोड़ी सी बी की वैल्यू यानी 2b की वैल्यू या फिर इसी में पुट कर देता हूं सारी बी की, यानी ये आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना, ये कौन सी इक्वेशन है आपकी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब निकालते हैं यहां से वैल्यू किसकी इस पूरे की, ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए वैल्यू निकालना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2b, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 18 7 14 11, माइनस ए बी की वैल्यू कितनी है 2 1 -4 और 3, ये आपकी ए बी की वैल्यू, ठीक है, तो ये दोनों तो हो गया। उसके बाद देखो प्लस 2 इंटू बी, तो ये 1 ये 0 ये -2 और ये 1 ये लीजिए, तो ये तो सेम आ जाएगा 18 7 14 11 -2 1 4 3 प्लस इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 2 0 -4 और ये 2 ये आ जाएगा। अब देखो 18 माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2 7 माइनस 1
सेवन माइनस वन प्लस जीरो, फोर्टीन माइनस माइनस फोर, तो माइनस माइनस प्लस फोर, प्लस माइनस फोर ये आ जाएगा, इलेवन माइनस थ्री, इलेवन माइनस थ्री प्लस में टू, ये वैल्यू। अब इनको सोल्व करूं तो देखो ये टू से टू कैंसिल आउट, कितनी वैल्यू एटीन, ये सेवन माइनस वन कितना सिक्स, फोर से फोर कैंसिल आउट कितनी वैल्यू फोर्टीन, ये कितना आपका इलेवन, इलेवन माइनस थ्री कितना नाइन, नाइन इलेवन माइनस थ्री कितना एट, एट प्लस टू कितना आपका टेन, ये आपकी इसकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, आंसर अपन चेक कर लेते हैं साथ में, ये था आपका क्वेश्चन नंबर टेन, तो थ्री वन फोर टू ये तो आ गया था अपना, और ए स्क्वायर की वैल्यू एटीन सेवन फोर्टीन इलेवन टू वन माइनस फोर थ्री एटीन सिक्स फोर्टीन टेन। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन नंबर टेन के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर इलेवन के अंदर, इफ ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू ए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, वन टू माइनस, ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये निकालना है मुझे, तो ये निकालने के लिए क्या कर दूं, फर्स्ट निकालने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी की वैल्यू निकालते हैं, ए प्लस बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है वन फोर वन माइनस थ्री, बी की वैल्यू कितनी है प्लस, है ना प्लस बी वन टू माइनस वन माइनस वन, ये आपकी बी की वैल्यू। इन दोनों को एड कर दूं तो वन प्लस वन कितना वन प्लस वन, फोर प्लस टू फोर प्लस टू, वन प्लस माइनस वन तो वन माइनस वन, माइनस थ्री और माइनस का वन, कितनी वैल्यू आ गई यहां से, ये टू ये सिक्स ये जीरो और ये माइनस का फोर, ये आपकी वैल्यू आ गई ए प्लस बी की वैल्यू। अब देखो मुझे इसका स्क्वायर करना है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मीनिंग क्या आपका, ए प्लस बी को टू टाइम्स आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो ए प्लस बी हो गया, तो ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी टू सिक्स जीरो माइनस फोर, इसका मल्टीप्लाई ए प्लस बी के साथ में होगा तो टू सिक्स जीरो माइनस फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है। तो देखो यहां से मैं वैल्यू निकालूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, इस पूरी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो कितना फोर प्लस जीरो, फोर प्लस जीरो, इसका इसके साथ में फोर, इसका इसके साथ में जीरो, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो टू को सिक्स के साथ में कितना ट्वेल्व, सिक्स को माइनस फोर के साथ में तो माइनस का ट्वेंटी फोर आ गया, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो जीरो को टू के साथ में जीरो, माइनस फोर को जीरो के साथ में तो ये जीरो प्लस जीरो आ गया, इसको मैं इसके साथ में जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना जीरो प्लस सिक्सटीन आ गया, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहां से कितनी फोर, और ये वैल्यू आपकी माइनस का ट्वेल्व, माइनस का ट्वेल्व, ये जीरो और ये आपका सिक्सटीन, ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी होगी फर्स्ट होगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं ए और बी स्क्वायर की वैल्यू, तो देखो ए स्क्वायर का मीनिंग क्या है, ए को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वन फोर वन माइनस थ्री, ए को ए के साथ में तो वन फोर वन माइनस थ्री, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ए की वैल्यू आ जाएगी, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो वन प्लस फोर, इसको मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो फोर माइनस ट्वेल्व, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करें तो वन माइनस थ्री आ गया, इसको मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई करूं तो फोर प्लस नाइन आ गया, तो देखो वैल्यू कितनी मिली, ये आपका फाइव, ये कितनी फोर माइनस ट्वेल्व, फोर माइनस ट्वेल्व माइनस का एट, ये माइनस टू और ये कितना आपका थर्टीन, ये कौन सी इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब निकालते हैं बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, ये नोट डाउन आप कर लेना इसको। देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर तो बी की वैल्यू कितनी है, 1, 2, -1, -1, इसका मल्टीप्लाई करना आपको 1, 2, -1, -1, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 1, -1 ये हो गया, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो 2, इस दोनों का मल्टीप्लाई -2, ये तो 0 हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1, इस -1 को 2 से करेंगे तो -2, इसको इन दोनों को करेंगे तो कितना, +1, ये वैल्यू आपकी इसकी बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 0, ये कितना 0, ये कितना आपका -1, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी बी स्क्वायर की वैल्यू। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई आपकी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे करना है यहां पे इसकी वैल्यू चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है ना। तो ये सेकंड अब आएगा, सेकंड वैसे यहां से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। अब चाहिए दोनों का सम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है 5, -8, -2 और ये 13, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, -1, 0, 0, -1, ये आपकी बी की वैल्यू। ये आया कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 से, ये लिख देना। अब देखो 5 - 1 कितना 4, लिखो तो लिख दे एक बार, देखो 5 - 1, ठीक है, और फिर -8 को मैं इसके साथ प्लस करूं तो -8 + 0 ये 2, ठीक है, डायरेक्ट ही है, चलो डायरेक्ट लिख दो, डायरेक्ट ही है पूरा, 5 - 1 कितना 4, -8, ये -2 इसके साथ ऐड होगा तो -2, और ये इसके साथ ऐड होगा तो माइनस का इतने प्लस का कितना आ जाएगा 12, प्लस का 12, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड नहीं फोर्थ। अब देखो इक्वेशन नंबर फोर्थ एंड फर्स्ट मैं कह सकता हूं ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई आपकी। इलेवंथ है आपका, -4, -12, 0, 16, ठीक है, और ये वैल्यू आ गई 4, -8, -2 और 12, ठीक है, दोनों की इक्वल है वैल्यू, दोनों की सेम वैल्यू है, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब आपको जो थर्ड है वो निकालना है, तो थर्ड में ये दोनों इक्वल है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ से क्या लिख सकता हूं कि ये वाली साइड a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगले ने इक्वल बोला है लेकिन यहां पे क्या है, नॉट इक्वल टू, क्यों, देखो दोनों की वैल्यू क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पूरा होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी इक्वल टू 2101 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू b+1/2 इंटू ए, ये कंडीशन गिवन आपको और a की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखो इस कंडीशन का यूज करके मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो सबसे पहले तो आपको बी स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो देखो बी स्क्वायर वैल्यू निकालते हैं, बी स्क्वायर इक्वल टू बी इंटू बी, बी की वैल्यू है कितनी 2101 इंटू 2101, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये पूरी रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 1 को 0 से करेंगे 0, 2 को 1 से करेंगे 2, 1 को 1 से करेंगे 1, 0 को 2 से करेंगे 0, 1 को 1 0 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4301। किसकी वैल्यू आ गई है, बी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब आपको जो कंडीशन गिवन है वो है बी स्क्वायर इक्वल टू बी प्लस 1/2 इंटू ए, ये तो गिवन है। यहां से मैं इस 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या ले सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि ये बी इधर आएगा तो माइनस बी हो जाएगा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से 1/2 ए की वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए, ये बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 4301 माइनस 2101, ये आपकी बी की वैल्यू। इन दोनों को ऐड करें तो 4-2 कितना, 4-2 कितना 2, 3-1 कितना 2, 0-0 कितना 0, 1-1 कितना 0, ये तो हुआ। अब ये 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो a इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट से होगा तो इसके साथ 4, इसके साथ होगा तो 4, 0 के साथ होगा तो 0, ये 2 इसके साथ होगा तो 0, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट यानी a की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ठीक है। अब आप नोट डाउन कर लेना इसको, मैं आंसर चेक कर लेता हूं, ठीक है। तो ये आंसर आपका, अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपको गिवन है, इफ ए इक्वल टू -1 ए बी एंड ए स्क्वायर इक्वल टू आई, आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, यानी आपको क्या निकालनी है, ए कॉमा बी की वैल्यू आपको यहां से फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ध्यान से, देखिए कंडीशन दे दी ए स्क्वायर की वैल्यू, इसी कंडीशन का यूज करता हूं मैं पूरा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई, ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई करना, तो -1 ए और ये बी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे -1 ए बी, आई क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो एक बार आई लिख दीजिए, ठीक है ना, दोबारा ना लिखना पड़े। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -1 के साथ मल्टीप्लाई तो +1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो a हो गया, इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो -1, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका +b, इसको मैं इसके साथ में किया तो -a, इसका इसके साथ में किया इसको इसके साथ में फिर इसके साथ में तो प्लस का ab, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में तो ये a और ये इसके साथ में करेंगे तो प्लस का b², ठीक है, और ये आ जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसी फॉर्म में इसी ऑर्डर के अंदर, तो ये आंसर ये वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल तो 1+a, ठीक है ना, और प्लस में इक्वल टू में कितना 1, यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी -1+b इक्वल टू 0, तो यहीं से आ जाएगी वैल्यू। देखो a की वैल्यू 1-1 कितना a इक्वल टू 0,
बी की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए, चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको गिवन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखना। इफ ए इक्वल टू 2100, बी इक्वल टू 2341, सी इक्वल टू 1402, देन शो, प्रूव करना है फर्स्ट ए का मल्टीप्लाई बी प्लस सी से करो तो वैल्यू आनी चाहिए ए बी प्लस ए सी, और बी माइनस ए का मल्टीप्लाई सी से करो तो वैल्यू आनी चाहिए बी सी माइनस ए सी। डिस्ट्रीब्यूशन अपन डिस्कस किया था उसी की तरह, ठीक है ना, ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये निकालना है तो निकाल देते हैं। देखो ध्यान से वैल्यू फटाफट निकालते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अपन डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो वही प्रॉपर्टी यहां पे आई है। तो सबसे फर्स्ट को मैं निकालने के लिए देखो सबसे पहले ये वैल्यू निकालता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है ए इंटू, या फिर एक बार रुको इन दोनों को निकाल देता हूं मैं, यानी b प्लस सी की वैल्यू निकालता हूं। सबसे पहले ये वाली वैल्यू निकालता हूं, तो b, b की वैल्यू कितनी है 2341 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1402, 2 प्लस 1 कितना 3, 3 प्लस 7 कितना 3 प्लस 4 कितना 7, 4 प्लस 0 कितना 4, 1 प्लस 2 कितना 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, b प्लस सी की वैल्यू आ गई। अब मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितनी है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 2100, मल्टीप्लाई हो रहा है b प्लस सी के साथ में, तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3743। तो यहां से वैल्यू कितनी आ गई, देखो इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो 6 प्लस 4, इस पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 14 प्लस 3, इस पूरे को इसके साथ तो ये 0 आ गया, इस पूरे को इसके साथ तो ये भी 0 आ गया, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10, ये आपकी 17, ये 0, ये 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये किसकी वैल्यू, ए इंटू बी प्लस सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरी जो राइट हैंड साइड है उसमें वैल्यू निकालता हूं, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यू चाहिए ए बी की, ए बी की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 2100 इंटू बी की वैल्यू 2341, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ए बी इक्वल टू इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में तो 4 प्लस 4, ये कितना 6 प्लस 1, इसका 0 प्लस 0, इसको इसके साथ में करेंगे तो 0, इसका इसके साथ में तो प्लस 0, तो यहां से ए बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 8 7 0 और 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब निकालनी है एसी की वैल्यू, तो एसी के देखो ए की वैल्यू कितनी है 2100 और 0, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1402 के साथ में, तो देखो कितना, देखिए ध्यान से 2 का इसके साथ में करेंगे कितना 2, और इसका इसके साथ में करेंगे तो 0, तो 2 प्लस 0 कितना 2, इसका इसके साथ में करेंगे कितना 8, और इसका इसके साथ में करेंगे कितना 2, तो 8 प्लस 2 कितना 10, 0 को 0 के 1 के साथ में 0, 0 को 0 के साथ में 0, तो 0 प्लस 0 कितना 0, 0 को 4 के साथ में 0, 0 को 2 के साथ में 0, तो 0 प्लस 0 कितना आपका 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो आपको करना क्या है,
इक्वेशन फर्स्ट सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड करना है, तो इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, यानी इधर ऐड करूंगा तो ए बी प्लस ए सी हो गया, और इधर मैं ऐड करूं तो ए बी की वैल्यू कितनी है 8700 प्लस 2100 और 0, ये ऐड हो जाएगी। ठीक है, ऐड होके मैं यहां पे इसको लिख देता हूं। देखो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस ए सी कितनी वैल्यू आ गई, 8 प्लस 2 कितना 10, 7 प्लस 10 कितना 17, 0 प्लस 0 कितना 0 और ये भी 0, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी 4। अब लिख सकते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 से ये वाली साइड a इंटू बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के इक्वल, ये तो आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, ऐसे अपन फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड आप खुद करना, ठीक है ना, इसको आप सोल्व करना हो जाएगा, ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसी की तरह है, पहले b की वैल्यू पुट करो, फिर a की इन दोनों को माइनस करके c से मल्टीप्लाई करवा दो, फिर b c की वैल्यू निकालो एक तरफ, a c की एक तरफ निकालो, इस जो इक्वेशन आएगी इसमें से इसको माइनस कर देना, वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन इन दोनों से ये इक्वल टू है, ये आप कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका है 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर गिवन है इफ a इक्वल टू 1421, b इक्वल टू -3240 एंड c इक्वल टू 1002। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है कि a स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू निकाल के रिप्रेजेंट करनी है, तो देखिए निकाल देते हैं इनको भी फटाफट, इसको मैं आप रब कर देता हूं। देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो ए स्क्वायर यानी ए इंटू ए 1421, इसका मल्टीप्लाई 1421 के साथ में, तो कितनी वैल्यू आएगी, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करो तो 1 का 1 के साथ में 1, 4 का 2 के साथ में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ गया, 1 को 4 से करूंगा 4, 4 को 2 से करेंगे, 4 को 1 से करेंगे 4, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो 2 प्लस 2 इसके साथ में करेंगे तो 8 प्लस 1 ये आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई 9849, ये वैल्यू और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब चाहिए आपको बीसी की वैल्यू, तो बीसी की भी देख लीजिए, बीसी इक्वल टू बी की वैल्यू -3240 और सी की वैल्यू आपकी 100 और 2, ये आपकी 1 की वैल्यू। इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो -3 को 1 से करो -3, इस 2 को इस 0 से करो कितना प्लस का 0, अब इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -3 को 0 के साथ में 0, 2 को 2 से करेंगे तो कितना 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करो 4 को 1 से करो 4, 0 को 0 से करो प्लस 0, 4 को 0 से करो 0, 0 को 2 से करो 0, यहां से वैल्यू आ जाएगी बीसी की कितनी -3, 0 प्लस 4 कितना 4, 4 प्लस 0 कितना 4, 0 प्लस 0 कितना ये 0, कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करना है, तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड 8 लेफ्ट हैंड साइड के साथ में,
ये वैल्यू आपकी सेकंड की है। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो फर्स्ट में ए की ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 9849, प्लस बी सी की वैल्यू कितनी, -3 4 4 और 0, ये वैल्यू आ जाएगी। 9 माइनस 3 कितना, 6, 8 प्लस 4 कितना, 12, 4 प्लस 4 कितना, 8, 9 प्लस 0 कितना, 0, ये वैल्यू किसकी आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, चेक कर लेते हैं अपन, और आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 15, 6, 12, 8 और 9, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। अब अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो 16 के बारे में। इसको आप नोट डाउन कर लेना। 16 क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि सोल्व फॉर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में वैल्यू आपको दे दी 4, 5, 5 और 2, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स और वाई के साथ में, इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल है -7 और 14 के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसी को निकालता हूं, तो देखो इसको निकाल लेते हैं, इसको देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट में x और y की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे, तो देखो कितना, इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 5y, इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो 5x प्लस 2y, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, -7 और 14 के इक्वल। तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू -7, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, तो 5x प्लस 2y इक्वल टू 14, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड हो गई। अब इन दोनों को सोल्व करने के तीन तीन मेथड अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है, 9th में आप पढ़ के आए हो, तो देखो इनके x और y वेरिएबल के अंदर लीनियर इक्वेशन है, लेकिन x और y की दोनों की कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है, तो सबसे पहले इनको क्या करता हूं, इक्वल बना दूं, तो इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो देखो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 10x, इसको मैं करूं तो ये कितना आपका 25y इक्वल टू -35, 2 से कर दो इसको तो ये 10x, ये प्लस का 4y इक्वल टू ये कितना 28 आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस करो, क्या करना है, माइनस करो, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 25 माइनस 4 कितना 21y इक्वल टू, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 8 प्लस ये कितना आपका 3, और ये ऐड करेंगे तो ये कितना 63, यानी माइनस का 63 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -63 अपॉन में 21, y की वैल्यू आ गई -3, कितनी वैल्यू आ गई, -3। इस -3 को पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन, इसमें पुट करें, सेकंड में कर देते हैं, यहां पे पुट करूं तो 5x प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 14, कितना आया 5x माइनस का 6 इक्वल टू 14, ठीक है ना। तो वैल्यू आ गई आपकी 5x इक्वल टू 14 प्लस 6 कितना 20, तो ये 5x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी 20 अपॉन में 5, कितना आया x की वैल्यू आ गई यहां पे 4 आ जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, और ये फर्स्ट पार्ट हो गया, तो इसका आंसर भी चेक कर लेता हूं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -3, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं,
आप नोट डाउन कर लेना इसको। देखो सेकेंड पार्ट आपका x प्लस वाई एक्स माइनस फोर, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस वन माइनस टू, टू और टू के साथ में, और जो वैल्यू आ रही है इसकी इक्वल माइनस सेवन और माइनस इलेवन। यहां से भी x और y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो देखते हैं इसको भी निकाल देते हैं। देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन का मल्टीप्लाई वो एक्स प्लस वाई के साथ में, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर, ये आ गया। अब इस पूरी रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो माइनस टू का इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस टू का एक्स प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई, प्लस इस टू का इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कौन है माइनस सेवन और माइनस का इलेवन, ये तो वैल्यू है ठीक है ना। ये लीजिए सोल्व करते हैं, इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस टू एक्स और माइनस का एट, इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आ जाएगा माइनस का टू एक्स प्लस माइनस का टू वाई प्लस टू एक्स माइनस एट, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी इक्वल है वैल्यू, माइनस सेवन माइनस इलेवन के इक्वल। इसको सोल्व करें तो माइनस एक्स प्लस टू एक्स कितना आ गया एक्स माइनस वाई माइनस एट, ये वाली वैल्यू कैंसल आउट, तो माइनस का टू वाई माइनस एट इक्वल टू माइनस सेवन माइनस इलेवन, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, वन इंटू टू में है, ये भी वन इंटू टू में ऑर्डर सेम है इक्वल में है, तो ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल आ जाएगा, तो एक्स माइनस वाई माइनस एट इक्वल टू कितना माइनस का सेवन। दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो माइनस टू वाई माइनस एट इक्वल टू माइनस का इलेवन, यहां से मैं टू वाई की वैल्यू निकालूं तो माइनस इलेवन प्लस एट माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस इलेवन प्लस एट कितना माइनस का थ्री, माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहां से थ्री अपॉन में टू, थ्री अपॉन में टू। यहां पे वैल्यू देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस सेवन प्लस एट कितना एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। वाई की वैल्यू यहां से मैं पुट कर दूं तो एक्स प्लस थ्री बाई टू इक्वल टू वन, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो एक्स की वैल्यू वन माइनस थ्री बाई टू कितनी आ जाएगी वैल्यू एक्स की, एक में से डेढ़ जाएगा तो आधा, तो माइनस आधा माइनस वन बाई टू, ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ठीक है ना। चेक कर लेते हैं इसको भी, ये नहीं आ रहा है ठीक है, तो देखते हैं एक बार दोबारा, माइनस फाइव बाई टू आ रहा है तो ये प्लस माइनस का मिस्टेक चल रहा होगा। देखो यहां पे ये माइनस की वैल्यू है ना, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये प्लस की, तो इन दोनों को मैं ऐड करूं तो वैल्यू आ जाएगी आपकी फाइव अपॉन में टू। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट को देखो, थर्ड पार्ट आपको गिवन है माइनस टू जीरो थ्री वन माइनस वन टू एक्स प्लस माइनस टू वन इक्वल टू टू इंटू वाई और ये थ्री। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
माइनस टू जीरो थ्री वन माइनस वन टू एक्स प्लस थ्री टू माइनस का और वन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस पूरे का मल्टीप्लाई में इसके साथ में करूं तो क्या मिलेगा, माइनस वन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस टू आ जाएगा, इसका इसके साथ में तो ये जीरो लो, ठीक है। अब मैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो यहां पे आएगा, ठीक है ना, क्यों, ये टू इंटू टू में, ये टू इंटू वन में, तो टू इंटू वन की मैट्रिक्स आएगी, तो ये इसके साथ में माइनस थ्री और ये इसके साथ में प्लस का टू एक्स, ये लीजिए प्लस में थ्री को मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस सिक्स और ये थ्री इक्वल टू कौन है, इस टू को भी मल्टीप्लाई करो तो टू वाई और ये सिक्स आ गया। अब देखो सिंपल सा हो जाएगा, ये कितना आपका थ्री और ये कितना, या फिर एट कर दो, टू प्लस सिक्स तो टू माइनस सिक्स हो गया और इनको एड करो तो माइनस थ्री प्लस टू एक्स और ये प्लस का थ्री इक्वल टू कौन है, टू वाई और ये सिक्स, यहां से वैल्यू आएगी माइनस फोर, यहां से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, कितनी टू एक्स इक्वल टू ये वैल्यू आएगी टू वाई और ये सिक्स आ जाएगा। अपन जानते हैं कि एक मैट्रिक्स और मैट्रिक्स इक्वल है तो इनका ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम है तो हर एलिमेंट आपस में क्या होगा इक्वल, तो माइनस फोर के इक्वल कौन टू वाई और टू एक्स के इक्वल कौन सिक्स, यहां सिक्स आ जाएगा। यहां से मैं वाई की वैल्यू निकालू तो माइनस फोर अपॉन में टू, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू और यहां से एक्स की वैल्यू निकालू तो सिक्स अपॉन में टू, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहां पे थ्री, तो एक्स की वैल्यू थ्री और वाई की वैल्यू माइनस टू। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट में एक्स एंड वाई की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।